सर यहाँ पे सर राइट सेंटर राइट कॉर्नर सर सेंटर सर राइट कॉर्नर सर यहाँ पे राइट अरे पीछे हो गया थोड़ा पीछे हो पीछे होते चले सर 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 रुकिए ना गोविंद जी सर 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 इस तरफ आइए सर चलो स्टार्ट होगा ना भाई बैक ही दिख रहा बापू आगे बापू रवि बाकी बैठो बैठो बेटा अरे बैठना तू भी बैठना खड़े होके फोटो पीछे से हट जाओ यार दादा पीछे से क्लियर करो अरे बापू बापू पीछे से क्लियर करो यार सर सामने देखिए और अगर राइट साइड कट मैम लुक यहां मैम वेट मैम टू योर लेफ्ट मैम द साइड मैम सामने एकदम मैम यहां पर मैम इस तरफ मैम सामने मैम या मैम तीनों साथ में करना रवि भाई लाइट जलाना यार तुम लोग बुला सकते हो पहले पहला चीज करना पीछे ट्रैप आ रहा है जगह देखिए फोटो खाली बस सामने ऋषभ सामने सामने सर यार मैंने काम करते हैं घुमा देते हैं वही तो बोल रहा हूं उल्टा घुमा देते हैं ना पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे पीछे बिना सुना पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ ना यार इधर आओ यहां पे लुक मैम सामने वाला बता रुक क्यों मैम लेफ्ट सर लेफ्ट 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 फुल लेफ्ट फुल लेफ्ट फुल लेफ्ट ये रुकिए हमारे पास आता तीनों चाहिए हां तीनों लेडीज चाहिए थैंक यू आप तीनों का सर एक तीनों आ थोड़ा सा पीछे हो जाना प्लीज हां माने हां बस का बना तो सब बायपोर्ट दिख रहे हैं भाई मैंने नहीं खड़ा किया चलो घूम जाना पीछे कर दो वीडियो कम हुआ तो चल पीछे लो एक 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 मिनट एक मिनट क्या बात कर मुझे नहीं पता था क्या सीखना नहीं और सीखना नहीं सीखना सीखना बहुत बाकी है भाई बहुत रोज सीखने का थोड़ा पीछे जाओ वो आई एम श्योर दैट्स गोना बी अ सुपर हिट सॉन्ग एंड विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स टाइम फॉर मी टू इनवाइट अ लॉट ऑफ टैलेंट ऑन स्टेज सो प्लीज कीप द अप्लॉज कमिंग प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एज आई वेलकम द वन एंड ओनली मिस्टर शक्ति कपूर द मैन हू नीड्स नो इंट्रोडक्शन Mr. Karan Anand. Welcome, welcome, sir. Action director, Chinu Verma. Aarti Gupta.
Dialogue writer Khalid Azmi, Raj Verma, the backbone director Sikandar. Come on, everyone, keep the applause coming. The truly, truly, truly gorgeous Mishika. Mishika Joris here. Welcome. Come on, people, let's have a huge round of applause for the lovely lady. Time for me to invite yet another very, very gorgeous looking lady, Anupama Agnihotri. And last but not the least, ek aur bahut zyada hi khoobsurat ladki hamare beech hai. Zordar taaliyan ho jaye for none other than Digagna Suryavanshi. और अब क्या बोलूं मैं, जोरदार तालियां फॉर चीची मिस्टर गोविंदा. एंड आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज द मैन यू नो हु नीड्स हु इज एक्चुअली अ लिविंग लेजेंड आई मस्ट से. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर पहलाज नेलानी एंड मिसेस नीता नेलानी. I would request Mr. Mahesh Anand to kindly join us on stage. I request Mr. Ishwar Kumar and Mr. Mehboob to kindly join us on stage for the photo op. This lovely track is composed by Mr. Ishwar Kumar. The lyrics are by Mr. Mehboob and sung by Benny Dayal, ladies and gentlemen. सर 25 साल के बाद सर, और आप लोगों को याद है गोविंदा जी को पहला जी इस इंडस्ट्री में लेके आए, और 25 साल के बाद इतनी बड़ी फिल्म बनाई उनके साथ वापस, और लकीली मैं भी हूँ फिल्म में, और मेरी और गोविंदा जी की जोड़ी भी अच्छी है, हमारी टाइमिंग अच्छी है. एंड मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये फिल्म मैंने देखी, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, और हमारे डायरेक्टर सिकंदर जी हैं, सिकंदर खन्ना, सिकंदर हाँ. तो और दो नई लड़कियाँ इंट्रोड्यूस की हैं, और आप जानते हैं कि इन्होंने किस किस को इंट्रोड्यूस किया है, गोविंदा जी को किया है, चंकी को किया है, नीलम जी को किया है, इवन दिव्या जी को किया है, और इवन गोविंद नामदे को किया है, और मुझे री इंट्रोड्यूस कर रहे थे एज ए हीरो, बट नो प्रॉब्लम, अच्छा है, मैं नहीं बना. आपकी और गोविंदा सर की जो जोड़ी है हमेशा कमाल की थी पर्दे पे, राजा बाबू हो या और भी कोई फिल्म हो, तो क्या कहना चाहेंगे कि वो मैजिकल चीज इस फिल्म में भी देखनी? सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा मैजिकल इस फिल्म में है, क्योंकि हम खुद करते करते हंस हंस के गिर जाते थे, खुद करते करते गोविंदा जी को हंसाना बहुत मुश्किल है,
आई मीन वो सबको हंसाते हैं लेकिन शॉट में हंसाना बड़ा मुश्किल. वो हंसते हंसते सब हंसते हंसते तो आई बिलीव दिस इज़ अ अमेजिंग फिल्म एंड आई प्रे टू गॉड दैट इट शुड डू गुड फॉर एवरीवन. आपकी कल एक और सेंसेशनल फिल्म जर्नी ऑफ परमा भी आ रही है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो कल आ रही है. वो एक डिफरेंट फिल्म है और आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट बट इधर मैं इस फिल्म के लिए आया हूँ तो अच्छा नहीं लगता. मैंने उस फिल्म में काफ़ी प्रमोशन की है एंड गॉड ब्लेस इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म वेरी नाइस फिल्म एंड इट इज़ गॉट अ गुड कंटेंट इन द फिल्म. So God bless both the films. सर मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा क्योंकि हम यहाँ पे अभी अच्छी बातें पहला जनालानी जी के फिल्म के बारे में कर रहे हैं. ये टॉपिक चलता रहे. हाँ दिवाली की दीपावली की दिवाली की सबको शक्ति कपूर के और उनके परिवार की तरफ से शुभ शुभ कामनाएँ. सारी दुनिया जानती है ना मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ. सबको शरीफ शरीफ आदमी की शुभ शुभ कामनाएँ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. वेट 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 रोलिंग आराम से करो सब लोग शांति से. रोलिंग कहना चाहूंगा आपकी पला ज्ञानी सर की जो जोड़ी है पिछले 25 साल से ज्यादा मतलब मैजिकल फिल्म्स दी. क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में कि वही मैजिक देखने को मिलेगा दर्शकों को. ज्यादा हो गया 29-30 साल हो गए. लव 86 के मैंने की थी पहली फिल्म और फिर पहला जी से साथ झूठा इल्जाम के साथ सुपरहिट फिल्मों का जो जो दौर शुरू हुआ वो कभी थमा ही नहीं. एंड मेरा ये सोचना है कि अभी तक तो फ्लॉप नहीं आई है कभी फिल्म में. और झूठा इल्ज़ाम फिर शोला शबनम देन आँखें और अब राजा रंगीला रंगीला राजा. एंड आई फील दैट मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे तारीफ करूँ. I always feel like जैसे I've started a new जैसे newcomers कैसे काम करते हैं वैसे शुरुआत फिर हुई. और बहुत से ऐसी सरप्राइज जो पहले कभी नहीं देखे गए हों मेरी फिल्मों में ख़ास तौर पे. और साथ में पक्का गोविंदा छाप सिनेमा है वो तो है ही है. थ्रू आउट कॉमेडी एंड डांस गाना सब चलता रहता है. उसके बावजूद मुझे ये जो फिल्म जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे घर परिवार के लोगों के दिलों को छुएगी क्योंकि हर घर परिवार में ऐसे रंगीला राजा होते हैं और उन्हें उसे झेलना भी पड़ता है. एंड हंसते हंसते ऐसा मैसेज दिया है इस फिल्म में प्रहलाद जी ने कि जो हर घर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अच्छे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि वाकई वो अच्छे हैं तो उसे संभालें जिससे हाथ से कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो गई है. और जो मिस्टेक किया है ज़रूरी नहीं है कि वो विलन हो या रॉन्ग हो या गलत हो वो हीरो निकलता है क्योंकि हम हर व्यक्ति के अंदर कहीं तो उसमें वो होता है रंगीला राजा होता है हीरो होता है और वो कहीं बाहर निकलता है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी जो है वो बेरंग ना हो और रंगीन हो तो वैसी रंगीन हो के लगे कि हाँ वाकई अच्छा लग रहा है पूरे घर परिवार में अच्छा लग रहा है. तो वो मुझे ये थॉट बहुत अच्छा लगा ख़ास तौर पे लेडीज़ जो है मुझे लगता है और यंगस्टर्स उन्हें ये फिल्म जो है ये बहुत छुएगी ऐसा मुझे लगता है. आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू प्रहलाद जी कि जिस वक्त फिर मेरे पास ज़्यादा फिल्में नहीं थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे ये साइन की हुई थी और ये शुरू हो गई तो बहुत साल पहले जैसे लव 86 और उसके लव 86 रिलीज़ होते ही झूठा इल्ज़ाम लगी थी सेम ऐसा ही हुआ है वही समय है. और फ्राइडे रिलीज़ हुई है आप लोगों ने बहुत देखी होगी बहुत पसंद की सभी ने. और अब राजा रंगीला आ रही है एंड आई फील कि ये हम दोनों की जो 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 ये हिट की ये जो सक्सेस रही है ये जुड़ी रही है उससे आगे निकलेगी ये फिल्म. घर परिवार वाले लोग बहुत उसे लाइक करेंगे पसंद करेंगे. आपने बहुत सारे डबल रोल किए हैं तो इसमें क्या खास बात है जो आपको चलेगी. मैं जैसे कह रहा था कि हर अच्छे आदमी में अच्छाई है ये हम तब समझ पाते हैं कि जिस वक्त वो
किसी की बुराई कैसे निकालता है, तो डिस्कार्ड कर देने से या उसको रॉन्ग समझ के उसे दूर हो जाए या उसका साथ ना दें या उसे गलत समझ के उसे हमेशा के लिए दूर कर दें, ये जैसे थॉट होते हैं, इस थॉट से निकल के वो थॉट है कि कैसे पूरा घर परिवार संभाला जा सकता है, कैसे साथ दिया जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति है घर में कि वो रंगीला राजा टाइप है, तो उसे वो कैसे समझाया जा सकता है कि उस पर जिम्मेदारी है घर की कि वो कैसे उसे संभाले, और वो हीरो होगा तो वो हीरो उसमें से बाहर निकलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे यहाँ पे इमोशंस कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो निकल ही आते हैं बाहर हर उसमें, तो उसमें भाइयों का प्रेम नज़र आता है, जो पारिवारिक प्रेम नज़र आता है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, और हंसी मजाक के साथ निकलता है। तो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ सिनेमा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स अ सिनेमा एंड देन यू ऑल विल हैव अ ग्रेट टाइम। मुझे मैंने आंखें जिस वक्त फिल्म देखी थी तो मैं कहा था कि मुझे ये ना ये शोले नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है बहुत मतलब हिट होगी। मैं साफ साफ कहा कि ये शोले नहीं है, आप जैसे आपने सोचा है ये वैसे ही। मैं जिस वक्त फिल्म देख के बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही हिट जैसे सिनेमा होते हैं। अब वो कैसे कितना कहाँ कैसे निकलेगा कमाल, वो तो समय कह सकता है, परंतु मुझे ऐसा लगा क्योंकि ये ख़ास तौर पे जो लेडीज़ हैं, जो जैसे हम कहते हैं कि पुरुष घर चलाता है, स्त्रियां जो हैं वो दुनिया चलाती हैं, तो वो इसीलिए कि वो सहन करती हैं, प्रेम करती हैं, पूरा घर परिवार साथ में लेके संभाल के चलती हैं, तो उनमें वो क्षमता होती है कि नेगेटिव को धिक्कार दें या बर्बाद कर दें, ऐसी नहीं होती, वो उसे निकाल के कैसे उसको अच्छा कर देती हैं, वो थॉट है इसमें, तो मुझे बहुत टच किया। तो ये किसी भी हद में निकल सकती है, इट कैन बी आई थिंक वेरी बिग हिट। सर दिवाली आ रही है, क्या स्पेशल? बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि बहुत समय ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि 9 वर्ष हो गए मुझे रोल नहीं मिल रहे थे जो जिस तरह के मैंने उम्मीद की थी। जैसे हैप्पी एंडिंग हो तो उसमें मैंने कॉमेडी किया था, किल दिन में मैंने विलन प्ले कर दिया था, परंतु एज ए हीरो मैं आऊँ ये बहुत समय हो गया था। मैंने मेरी फिल्म में ट्राई किया, आ गया हीरो में, परंतु समहाउ वो क्योंकि नोटबंदी के टाइम पे रिलीज़ हुई तो वो उस हिसाब से नहीं चली। फ्राइडे से ये शुरू हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि ये सक्सेस का दौर जो है ये पुनः मेरे जीवन में आएगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। कहाँ जाओ? मैं बस ठीक कैमरा सेंटर लो। सर सबसे पहले मुबारक देना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में कि काफ़ी मनोरंजक फिल्म नज़र आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लंबा वक्त लगा आपको गोविंदा सर के साथ फिल्म बनाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जब जागो तब सवेरा, 25 साल के बाद मेरे और गोविंदा के बीच इस जोड़ी की जो है जब तकदीर लिखी हुई है तब आएगी। और 25 साल के बाद जो है पहले 3 फिल्में हमारी बहुत ही हिट थी और हमेशा अलग अलग किरदार जो है गोविंदा ने मेरी फिल्म में निभाया है और इस फिल्म में भी और तीनों फिल्मों में मेरी लड़कियां जो है हीरोइंस जो है सब नई थी और गोविंदा जब भी नई लड़की के साथ मेरी फिल्म में आता है तो हमेशा धमाल और कमाल कर देते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, प्रहलाद जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। सो आई रिमेंबर मैं जब इनसे पहली बार मिलने गई थी, ही इज़ एक्चुअली दैट वन पर्सन जिनसे मैंने स्क्रिप्ट नहीं मांगी। आई मेट हिम एंड ही सेड मैं ये फिल्म बना रहा हूँ एंड देयर इज गोविंदा सर, एंड ऑब्वियसली गोविंदा सर मुझे बता चुके थे फिल्म के बारे में। इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी, ना ही मैंने मांगी, एंड देट वॉज लाइक ऑल फेथ एंड ऑल ट्रस्ट, एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं। आई जेन्युइनली होप इट वर्क्स। इसलिए जो है फेथ रखो,
अब जो है अच्छी बनेगी और अच्छी रिलीज होगी, सो डोंट वरी। ना सुनो तो बहुत अच्छा है, सुनो तो कहीं भी जो ना कहीं मिसगाइड हो जाता है। आई नो तीन फिल्में आई आपको जी, दो गोविंदा सर के साथ में, क्या कहेंगे इसके बारे में और भी क्या रहेगी गोविंदा सर के साथ में फिल्में आपकी? लेट्स होप। मैं गोविंदा सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। आई मीन फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट फिल्म ऑल्सो जब मुझे पता चला कि इट्स विद गोविंदा सर, आई वाज एक्चुअली लाइक ट्राइंग टू प्ले कूल एंड ऑल कि ठीक है इट्स ऑल कूल, बट आई वाज जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड। इस फिल्म का बेस्ट पार्ट इज कि माय लुक एंड माय रोल बहुत डिफरेंट है। पहलाज जी ने एक सर्टन वे में कंसीव किया था, उन्होंने मुझे लुक के रेफरेंसेस दिखाए एंड ही वाज वेरी पर्टिकुलर। ही इज लाइक मैं चाहता हूँ ऐसा ही हो। इनफैक्ट शूट करते समय कॉस्ट्यूम्स लाइक बहुत बेसिक चीज़ है, बट पहलाज जी वुड बी लाइक यू नो वो दो लिटिल लिटिल थिंग्स, ही बी लाइक कि नहीं नहीं ये ऐसे से ऐसा होना चाहिए। सो आई वाज लाइक ओके ये ऐसे से ऐसा ही होगा। सो दैट्स ही इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आई हैव मेट एंड वर्कड विथ, क्योंकि सेट पे जब सब टायर्ड हो कैसे बोलते हैं ओह कितना लॉन्ग डे था एंड वी ऑल गो बैक चिल, ये स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते थे, सबके साथ बैठ के सिटिंग कर रहे होते थे, पूरा दिन ये सेट पे लिटरली खड़े होते थे, उनका पैर भी स्वोलन था। आई वाज लाइक हाउ यू नो, बट आई थिंक देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम इन ईच फिल्म, आई फील आई गेट बेटर। मैं मॉडल सलाह सर बीइंग द प्रोड्यूसर एंड यू आर गोविंदा सर बीइंग द एक्टर, अ बिग मोमेंट फॉर यू बीइंग पार्ट ऑफ द, यस ऑफ कोर्स दिस इवनिंग इज आल्सो वेरी स्पेशल, ये इवनिंग भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एंड पहलाज जी आई मीन द न्यू कमर को एक बड़ा नाम नहीं मिलता एंड आई फील माई सेल्फ सो लकी कि मुझे दो बड़े नाम मिल गए हैं, मिस्टर पहलाज नलानी एंड गोविंदा जी। एंड गोविंदा जी तो लाइक वैसे भी लेजेंड है, इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया मुझे। ही इज़ सो सिंपल एंड हम्बल पर्सन, और जब भी हम लोग साथ में सेट पे होते थे तो ही यूज़ टू बी लाइक सो कोऑपरेटिव कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, एंड प्लस पहलाज सर ही यूज़ टू गाइड अस कि ओके ऐसा करो वैसा करो यू नो, तो इट वाज फन मोमेंट आल्सो एंड इट वाज वेरी फैमिली एनवायरनमेंट आई कैन से ऑन द सेट। आई डेंट फील आई एम आउट ऑफ माई फैमिली, आई डेंट फील आई एम आउट ऑफ माई प्लेस, यू नो इट वॉज वेरी गुड एंड इट इज़ एक्साइटिंग बिकॉज दिस इज़ माई डेब्यू फिल्म। सो ऑल द गुड लक टू मी, ऑल द गुड लक टू आर स्टार कास्ट एंड आर टीम। फर्स्टली आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक्स फॉर सर, बिकॉज यस सर के साथ और गोविंदा सर के साथ काम करना किसी के लिए भी ड्रीम कम ट्रू होगा, तो वट एवर आप इस मूवी में मुझे देख रहे हैं बिकॉज ऑफ हिम, सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, सो थैंक यू सो मच। सर इसमें गोविंदा सर के अलग अलग रूप हमें देखने के लिए मिले हैं जो नॉर्मली पुराने पिक्चर्स में 90s के 2000s में होता था, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? भैया रूप जब फिल्म जब बनती है तब नहीं होती है, किसी रूप में जो है फिल्में जो है पुरानी थी वही चलती थी, जो नहीं आई है उसकी बत्ती गुल हो जाती है, तो हमेशा जो है ना जो स्क्रिप्ट होती है जो डिमांड होती है स्क्रिप्ट की उसी हिसाब से होती है। ये नहीं है कि डबल रोल उस ज़माने में आता था डबल रोल की, अभी जुड़वा आई तो आपको वो क्या नया लगा आपको उसमें, या नहीं नहीं आप अब अर्जुन कपूर की एक फिल्म आई उसमें क्या नया था, वो भी फिर 90 में गिना जाएगा, क्योंकि 90 से लेके मैंने गोविंदा के 86 से लेके गोविंदा के साथ मैंने जो दिखाया उसमें जिसमें गोविंदा उस ज़माने में भी उतनी एनर्जी थी, और मेरा दिखाने का मकसद वही था कि 86 से लेके आज तक 33 साल हम लोगों के रिलेशन में हुआ है वो एनर्जी, आई एम स्ट्रीट डांसर हो या अउआ हो या लाल दुपट्टे वाली हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी थी रंगीला राजा में जो आप टाइटल ट्रैक आज देख रहे हो आप उसमें एनर्जी उनसे ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा स्टेप अलग है, तो मुझे लगता है कि वर्सेटाइल जो आज के डेट में जो एक्टर्स जो है ना ये डांस करते दिखाई देते हैं आपको, बहुत सारे डांसर है जो सो कॉल्ड डांसर जो पहले नहीं थे लेकिन आज करते करते बन गए, लेकिन गोविंदा तो वर्सेटाइल है और उन्होंने मतलब जो है जो डांस है जो भी इसको स्टेप दे दो इन 1 सेकेंड ही इज़ रेडी विद द फॉर शॉट, तो गोविंदा ने ये जो टाइटल ट्रैक जो है रंगीला राजा का किया जो आप विटनेस हो देखते हुए, तो आप देखिए और जनता आज का यूथ जो है 90 के गोविंदा आज गाने रेट्रो सॉन्ग जो है आप 92.7 में देखते हैं जिसके साथ मैं पार्टनर हूँ तो उसके अंदर सिर्फ वही गाने बजते हैं आर डी बर्मन के वही सुनते हैं, आज के यूथ को भी पुराने गाने ही पसंद है, ओल्ड इज़ गोल्ड जब बोला जाता है तो ओल्ड और गोल्ड में जो है गोविंदा पैदा ही उस ज़माने में हुआ था, तो आज तक स्टील जो है बन के काम कर रहा है, तो आज ये नई नई लड़कियों के साथ काम कर रहा है वो एकदम फिट हो रही हैं, आई थिंक इनका नसीब और मेरे नसीब जो गोविंदा के साथ जुड़ा हुआ है हमेशा नई लड़कियों के लिए वो
वरदान बन के आता है, तो मुझे लगता है ये वरदान जो है फिर से एक बार ये होगा। पहले गोविंदा सर जी काफी आरोप लगाया जाता था कि वो लेट आते हैं, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को तकलीफ देते हैं, काफी प्रॉब्लम्स होती थी, क्या कितने चेंजेस लग रहे हैं अभी आपको? तकलीफ वो बदन में कोई तकलीफ हो तो दवा खाओ तो निकल जाती है। तो गोविंदा ने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली है, जो प्रोड्यूसरों को तकलीफ देता था उस दवाइयों को जो है उसने ख़त्म कर दिया, ताकि प्रोड्यूसर को कंप्लेंट ही ना हो। वो चुस्त फुर्त और मतलब टाइम पे आने वाला, क्योंकि वो कर्म अपना कौन था कुंभकर्ण, जो कुंभकर्ण का चोला उतार के फेंक दिया, रंगीला राजा का पहना है उसने। अच्छा, इसके अलावा जी सेंसर को लेके कुछ, आप भी सेंसर पर हैं लेकिन ये फिल्म सेंसर को लेकर कहीं पर होती है, काफी लोग आपसे उस वक्त शायद थोड़ा बहुत एक काम कीजिएगा, मैं इस वक्त जब पिक्चर सेंसर में जाए आप प्रोड्यूसर बनिएगा, जो कटवाना है कटवा के आइएगा। इसके अलावा सर मी टू कैंपेन के बारे क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट कर रहे आप इसे? हाँ देखिए, मी टू जो है मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर आप कब्र खोदना शुरू करोगे तो आपको हर आदमी रंगीन नज़र आएगा, जो रंगीला राजा हमारा इसमें है। मी टू में नहीं फंसा लेकिन कहीं ना कहीं फंस गया हमारा, ये भी मी इसमें भी मी टू है लेकिन उसके कहीं ना कहीं फंस गया, लेकिन नहीं फंसा कहीं और फंसा, परिवार में फंस गया वो। तो मी टू हर आदमी रिलेटिव है, और ये फिल्म की जो है हर किसी की बायोपिक हर आदमी आइडेंटिफाई करेगा, और हर परिवार, हर बीवी, हर बहन, हर भाई को लगेगा कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरी बहन मेरे साथ तो वफादार है, लेकिन जो फिर भी कर्म कर रहा है अपने ऐश के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, वो शायद जो ना हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसे करने से क्या मुसीबतें आती है या आएगी, वो उसके लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज फिल्म फॉर मी टू। अच्छा, लेकिन सर इसमें काफ़ी सीनियर एक्टर्स के नाम आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरे जो ना मैं परिवार में काम करता हूँ, मेरा टेक्नीशियन हो चाहे एक्टर्स हो, मेरे परिवार है, मेरा पहला परिवार है मेरी वाइफ नीता नियालानी, चिराग नियालानी, विक्की नियालानी, और ये दूसरा पैरल जो है मेरा परिवार है चिराग दीप इंटरनेशनल यूनिट। जब फिल्म चलती है तो स्पॉट बॉय भी बोलता है मेरी फिल्म चली, नहीं चलती है तो वो बोलता है अरे क्या बहुत मनमानी कर रहे थे इसलिए नहीं चली। तो हर आदमी क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है, लेकिन मेरी ये परिवार है जो एक्टर मेरे साथ जो है 40 साल, मैंने 1979 में पहली फिल्म बनाई थी, आज भी वो कलाकार मेरी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, जो स्पॉट बॉय उस फिल्म में था वो भी आज इस फिल्म में काम कर रहे हैं। तो मैं भेदभाव नहीं रखता हूँ, अपने परिवार के साथ पारिवारिक पर्सन हूँ, परिवार को लेके साथ चलता हूँ। और आपने देखा है कि आप ये फिल्म देख रहे हो, अभी आप ट्रेलर देख रहे हो, आपको आज के और कल के नौजवानों, आज के नौजवानों और कल के बुढ़े टेक्नीशियनों में आपको क्या फ़र्क लगता है? थैंक यू सर। आप वो आप अपना जो है प्यार योगदान और अपने 90s को भूल के गोविंदा को 2018 का हीरो बनाइए। देखिए 14 साल पहले राज किया था और आपने बनवास दे दिया, उसको लोगों ने बनवास दिया, अब मुझे लगता है राम जो है अपनी गद्दी पे वापस आ गया, और सीता जो है भले बनवास हो जाए, सती हो गई, लेकिन फिर भी राम राम ही रहा, आज तक युग युग तक राम को लोग भूले नहीं। जय सीता, जय सीता।